नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप रोजगार से जुड़े समाचार से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल जीओबी पीवीटी को सब्सक्राइब करें। तो चले बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। बिहार सरकार की बड़ी पहल, पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारियां हुई तय। भारत और नेपाल के बीच बाढ़ से सुरक्षा और सिंचाई सुविधाओं पर सहयोग बढ़ाने की हुई सहमति। बीएसएससी ने सचिवालय सहायक सहित अन्य पदों के लिए आज से ले रही है आवेदन। बौद्ध भिक्षुओं ने मनाया डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन। बेबी एबी ने लाया मैदान पर तूफान, शहर के ओवर में लूटे 29 रन। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी ने जारी किया 66वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट। राज्य के सबसे बड़े प्रतियोगी परीक्षा बीपीएससी के 66वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस परीक्षा में कुल 7285 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें कुल 1828 विद्यार्थी सफल हुए हैं। अब इन अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसकी तारीख अभी बीपीएससी ने तय नहीं की है। मालूम हो कि यह परीक्षा 29 से 31 जुलाई तक आयोजित की गई थी और कुल 16 विभागों के अलग अलग पदों के लिए कुल 689 रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। अभ्यर्थी इससे जुड़ी विस्तृत जानकारी बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। बिहार सरकार ने 22 प्रखंड कार्यालयों में किए नए बीडीओ तैनात। बिहार के 22 प्रखंड कार्यालय में नए बीडीओ की तैनाती कर दी गई है। ग्रामीण विकास विभाग ने 22 अधिकारियों को ग्रामीण विकास पदाधिकारी और प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी की जिम्मेदारी दी है। आपको बताते चले कि अरुण कुमार को हनुमान नगर, रजन लाल निगम को बसंतपुर का बीडीओ बनाया गया है, उपेंद्र दास को रफीगंज, मोहम्मद मुर्शीद अंसारी को कदवा, राजाराम पंडित को गोगरी, अमित कुमार को सिकंदरा, उमेश कुमार सिंह को गोडा बोराम का बीडीओ बनाया गया है। इसी तरह 22 अधिकारियों को ये जिम्मेदारी भी दी गई है। आयुर्वेदिक और होम्योपैथी डॉक्टरों की नियुक्ति में अधिकतम उम्र सीमा की छूट। पटना हाईकोर्ट ने आयुर्वेद डॉक्टरों को बड़ी राहत दी है। ये राहत उन्हें उम्र सीमा में दी गई है। पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पीबी बजंत्री की एकल पीठ ने राज्य में नियुक्ति होने वाले 3,270 आयुष डॉक्टरों में आयुर्वेदिक और होम्योपैथी डॉक्टरों की अधिकतम उम्र सीमा में 23 और 22 साल की छूट देने की बात कही है। आपको बता दें कि विज्ञापन में कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल आयुष डॉक्टरों को मात्र 16 सालों की ही अधिकतम उम्र में छूट दी गई है, जिसके बाद उम्र सीमा में 23 और 22 साल की छूट देने की हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ने यह फैसला लिया है। दक्षिण बिहार के लोगों का गर्मी से हुआ बुरा हाल। बिहार का दक्षिणी इलाका लू की चपेट में है, वहीं उत्तरी इलाके में ओलावृष्टि हो रही है, बारिश की संभावनाएं भी जताई गई हैं। दक्षिण बिहार में राजधानी पटना तो वहीं बक्सर, रोहतास, कैमूर और गया में भी आज लू भरी हवा चल रही है। लोग आज सुबह से गर्मी से बेहाल हैं। राजधानी पटना की बात करें तो पटना में रात का पारा सामान्य से 4 डिग्री अधिक रहा, जिसमें रात में अधिक गर्मी महसूस हुई। 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हवा भी गर्मी बढ़ा रही है। पूर्वा हवा चलने से रात में उमस के जोर पकड़ने से रात में बेचैनी भी महसूस हुई। वहीं बांका जिले में ओलावृष्टि की खबर सामने आई है। नीतीश सरकार की बड़ी पहल, पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारियां हुई तय। बिहार में अपराधों को रोकने के लिए बिहार सरकार पूरी कोशिश कर रही है। इसी क्रम में नीतीश सरकार ने एक बड़ी पहल की है, जिसके लिए पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई। अपराध को नियंत्रण करने और विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है और अब मनचले और अपराधियों पर नकेल कसने और उन्हें सजा दिलाने को लेकर कैदियों तक की निगरानी को लेकर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है। गृह विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर चेन या फिर मोबाइल छीनने की घटना, महिलाओं के विरुद्ध अपराध आदि के लिए पर्यवेक्षण रोजाना पुलिस मुख्यालय काम करेगी। इस तरह अलग अलग अपराधों के लिए पुलिस की जिम्मेदारियों को बांटा गया है। अब 6 महीने पर होगी स्नातक की परीक्षा। बिहार में अब स्नातक में भी सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा, यानी कि विद्यार्थियों को अब 6 महीने में ही पढ़ाए गए अध्यायों की परीक्षा देनी होगी। आपको बताते चले कि सत्र 2022-23 में पटना विश्वविद्यालय में मॉडल के रूप में ये सिस्टम लागू किया जाएगा। यहाँ के बाद 13 अन्य सभी विश्वविद्यालयों में ये सिस्टम लागू किया जाना है। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति के अनुसार सभी विश्वविद्यालयों में CBCS सिस्टम लागू होगा, जो कि स्नातक के लिए होगा। आपको बताते चले कि बिहार के विश्वविद्यालय में अभी सिर्फ PG कोर्स में ही CBCS लागू है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि विद्यार्थियों को नए सिस्टम के लागू होने के बाद एक बार में 3 प्रश्न पत्रों को परीक्षा देनी होगी। अभी फिलहाल उन्हें वार्षिक परीक्षा में 6 पेपरों की परीक्षा देनी होती है।
भारत और नेपाल के बीच बाढ़ से सुरक्षा और सिंचाई सुविधाओं पर सहयोग बढ़ाने की हुई सहमति। बिहार का शोक कही जाने वाली नेपाल के हिमालय से निकलने वाली कोसी नदी, जिसकी वजह से हर साल बिहार का एक बड़ा क्षेत्र बाढ़ से त्रस्त रहता है। ऐसा भी नहीं है कि सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही, लेकिन सरकार की सभी कार्य योजना कोसी के जल स्तर बढ़ने के बाद विफल हो जाती है। हालांकि अब नेपाल सरकार भी बिहार की मदद के लिए आ गया है। दरअसल भारत नेपाल कोसी और गंडक परियोजना संयुक्त समिति की पटना में हुई 10वीं बैठक के दूसरे दिन दोनों देश के बीच सहयोग को और अधिक मजबूत और कारगर बनाने की तरीकों पर सहमति बनी। साथ ही सभी तरह के आकस्मिक मुद्दों के निराकरण के लिए भी त्वरित समन्वय पर जोर दिया गया है। बीएसएससी ने सचिवालय सहायक सहित अन्य पदों के लिए आज से शुरू की आवेदन की प्रक्रिया। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बीएसएससी की प्रतिष्ठित नौकरी में से एक सचिवालय सहायक और अन्य पदों के आज से आवेदन लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य के सचिवालय सहायक सहित लगभग आधा दर्जन विभागों में 2187 पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी गुरुवार से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बीएसएससी की तरफ से सचिवालय सहायक के 1360 पद सहित आधा दर्जन से अधिक विभागों में खाली पदों पर नियुक्ति होनी है। इसके लिए आप बीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 17 मई तक है। वीर कुंवर सिंह की जयंती पर फहराए जाएंगे 75,000 तिरंगा। स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह की जयंती पर राज्य में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जो कि आने वाले 23 अप्रैल को होगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार आने वाले हैं। इस मौके पर वहां 75,000 राष्ट्रीय झंडा यानी कि तिरंगा फहराया जाएगा। इसके साथ ही भारतीय स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। गृह मंत्री 22 अप्रैल को पटना आएंगे और 23 को जगदीशपुर में 11 बजे सभा को संबोधित करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि सभी जनता को स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताया जाए। बौद्ध भिक्षुओं ने मनाया डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती है। इस मौके पर बोधगया टेंपल मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में सभी बौद्ध भिक्षुओं ने भी अपनी उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया है। इस कार्यक्रम में सभी बौद्ध भिक्षुओं ने भी उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। इसके पहले सभी बौद्ध भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सूत पाठ कर पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से करीब 2 सालों से अंबेडकर साहब की जयंती नहीं मनाई जा सकी थी। ऐसे में इस बार भी कम लोगों की उपस्थिति में ही सुरक्षा बलों की मौजूदगी में 131वीं जयंती मनाई गई। वन क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाएंगे ये 40 अमीन। करीब 2 दशक के बाद अमीनों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। आपको बता दें कि बिहार सरकार के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की तरफ से बीते दिन राजधानी पटना में चयन किए गए अमीनों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया। वन विभाग के मंत्री नीरज कुमार सिंह ने अमीनों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। चुने गए ये सभी अमीन वन क्षेत्र के मापन का काम करेंगे। आपको बताते चले कि वन विभाग के संज्ञान में यह आया था कि आम लोगों द्वारा वन क्षेत्रों को अतिक्रमित कर लिया जा रहा है, जिसके मद्देनजर सरकार द्वारा वन क्षेत्रों में वृद्धि और संरक्षण को ध्यान में रखकर ऑनलाइन प्रतियोगिता द्वारा 40 अमीनों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई है। मुख्यमंत्री ने किया भगवान महावीर के सत्य और अहिंसा के संदेश को अपनाने की अपील। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ 7 महावीर जयंती मनाई गई। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर आयोजित राजकीय समारोह में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए महावीर जयंती पर भी भगवान महावीर के सत्य और अहिंसा के संदेश को अपनाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भगवान महावीर की जयंती के अवसर पर उन्हें सादर नमन। भगवान महावीर के सत्य और अहिंसा के संदेश को हमें अपनाने का संकल्प लेना चाहिए। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनी राबड़ी देवी। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर हाल ही में हुए चुनाव के बाद 6 सीटों पर मिली सफलता के राजद को नेता प्रतिपक्ष का पद मिल गया है। वहीं आपको बताते चले कि परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल की नेत्री राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने का निर्देश जारी कर दिया है। विधान परिषद में 6 सीटों को जीतने के बाद परिषद में अब राजद सदस्यों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। चिराग ने कहा, मैं मुख्यमंत्री का सम्मान करता हूं। बिहार रालोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच आए दिन जुबानी जंग जारी रहती है। चिराग पासवान भी सरकार को घेरने और मुख्यमंत्री को सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इस बीच ये भी सुनने को मिल रहा है कि चिराग मुख्यमंत्री का चरण स्पर्श करना चाहते हैं। चिराग ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो मुझसे बड़े हैं, मुझसे ज्यादा अनुभवी और योग्य हैं, इसलिए मेरी शिकायत उनसे रहती है। अनुभवी होने के बावजूद बिहार में विकास नहीं हुआ है। वहीं चाचा पशुपति कुमार पारस के बारे में चिराग ने कहा, उनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध है। जिनकी गोद में खेला उसे कैसे भूल सकता हूँ। कार्यशैली से भले विवाद हो, लेकिन पर्सनल रिलेशन को प्रोफेशनल रिलेशन पर हावी नहीं होने देता। वो हमेशा चाचा तो रहेंगे ही, नीतीश जी का भी इसी तरह मैं सम्मान करता हूँ।
बेबी एबी ने लाया मैदान में तूफान, शाहर के ओवर में लूटे 29 रन। मुंबई इंडियंस भले ही पंजाब की टीम से हार गई हो, लेकिन मुंबई की तरफ से खेल रहे बेबी एबी यानी कि डेवाल्ड ब्रेविस ने सबका मन मोह लिया है। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए डेवाल्ड ब्रेविस ने पंजाब के खिलाफ 25 गेंदों में 49 रनों की पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 4 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के निकले, इसमें से एक छक्का 112 मीटर दूर जाकर गिरा, जो इस टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का है। यानी कि ब्रेविस IPL 2022 में सबसे लंबा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। बात करते हैं उस ओवर की जिसमें ब्रेविस ने 4 छक्के लगातार लगाए। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, मृत्युंजय कुमार, शंकर मुखिया, रंजीत मेहता, राजीव कुमार, कविता कुमारी, बाबूलाल मरांडी, इंद्रदेव कुमार, अर्शिफा खान। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, सड़कों पर चोरी छिनतई के मामले में पहले की अपेक्षा अब कमी देखने को मिली है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।